छोड़कर भागना चाहते थे। तुम लोग गद्दार हो और अब तुम तो ये वाला सीन आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं अच्छा। और ये वाला सीन भी स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं और अच्छा। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। ये जो गुफा है दोस्तों, ये गुफा के अंदर से सीढ़ी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मेजर साहब और आज आ गया हूं मैं आप लोग के लिए क्रांति फिल्म का शूटिंग लोकेशन लेकर के। दोस्तों आप लोग को क्रांति फिल्म का एक सीन याद होगा जब दिलीप कुमार और उनके कुछ साथी और निरुपम रॉय जी को एक जगह बुला करके अंग्रेज सरकार गोली मार दिया जाता है सबको। वो एक खंडर दिखाया जाता है दोस्तों, वो खंडर ये वाला खंडर है। ये वसई फोर्ट है दोस्तों, ये मुंबई विरार साइड में पड़ता है। और आप लोग आना चाहें तो वसई रोड रेलवे स्टेशन उतरो, वहाँ से बाहर निकलेंगे तो टैक्सी और बस दोनों मिल जाएगा। जो कि काफ़ी सारे सीन दोस्तों यहाँ पे सेट बनाया गया था, जैसे कि मनोज कुमार और शशि कपूर एक सीन में फाइट करते दोनों जन तलवार से, वो सीन भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। और कुछ सीन है जहाँ पे मनोज कुमार और दिलीप कुमार जी गुफा के अंदर फाइट करते हैं, तो वो साइड पे है दोस्तों जो आप लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं जाने को मिलेगा मुझे शायद, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, जो मिल गया तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन आपको जो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया इस किला के अंदर और बाहर और इस साइड पे जो है उस दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप लोग को क्रांति फिल्म का शूटिंग लोकेशन कैसा लगा। अगर आपके हिसाब से कोई फिल्म की शूटिंग लोकेशन देखना चाहते हैं, कोई लोकेशन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको वो लोकेशन और वो फिल्म की लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शूटिंग लोकेशन दोस्तों। क्रांति फिल्म में जो किला दिखाया गया और उसका पहला सीन जो दिखाया गया है दोस्तों, तो वो कुछ इस हिसाब से रहता है। यहाँ से जो अंग्रेज लोग रहते हैं हिंदुस्तानी लोगों को मार करके इधर से अंदर लेके आते हैं, तो आप स्क्रीन शॉट से गेट मैच कर सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड पे आपको ये गोल वाला खंभा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे अंग्रेज जो सिपाही रहते हैं, अंग्रेज के जो सिपाही, वो नॉर्मल पब्लिक को, मतलब आम पब्लिक को मार के इधर लेके आते हैं, जो कि चाबुक से मारते वो लोग। तो आप स्क्रीन शॉट से ये जगह मैच कर सकते हैं। इधर से मारने के बाद सब पब्लिक इधर यहाँ पे इस साइड पे जमा होते, जो कि आप स्क्रीन शॉट से ये जगह सीन मैच कर सकते हैं दोस्तों। कुछ इस हिसाब से दिखाया जाता है दोस्तों। वैसे तो ये कब्रिस्तान है, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे जो अंग्रेज लोग के सिपाही राय रिश्तेदार मर जाते थे, वो उनको लाके यहाँ पे दफनाते थे उन लोग को, और ये कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे वो फिल्म की शूटिंग किया गया था, जो सेट लगाया गया था वहाँ पे टॉम ऑल्टर जी खड़े रहते और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तानी लोग खड़े रहते और वो अंग्रेजी में कुछ गाली उलियाँ देते रहते, क्योंकि आप स्क्रीन शॉट से जगह मैच कर सकते दोस्तों। आपको ये पूरे जो खंडर का दीवार दिखाई दे रहा होगा आप स्क्रीन शॉट से, और यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर पे टॉम ऑल्टर जी खड़े रहते हैं, और यहाँ पे जो पब्लिक रहती है सब पब्लिक के साथ साथ इस साइड का कुछ सीन है दोस्तों, जो पब्लिक यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो यहाँ से कैमरा एंगल दिखाया जाता है और टॉम ऑल्टर जी यहाँ पे रहते, जो कि वो अंग्रेजी में भाषण देते रहते, कुछ हिंदियों में भाषण देते रहते कि अंग्रेज सरकार से गद्दारी करने का नतीजा तुम सबको मालूम है फिर भी। तो यहाँ से वो सीन रिकॉर्ड किया गया है जो टॉम ऑल्टर जी वहाँ पे खड़े रहते और पूरी पब्लिक यहाँ पे खड़ी रहते, जो कि उधर से भी सीन दिखाया जाता है स्क्रीन शॉट से, मैं आप लोग को ऊपर चल के भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल का सीन दोस्तों कुछ यहां से रहता है। 42 साल पहले जिस तरह से उस सीन रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, मैं आज फिर आप लोग को उसी हिसाब से उस सीन दिखाऊंगा, कुछ इस हिसाब से उस सीन दिखाया जाता है दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। यहाँ टॉम ऑल्टर जी खड़े रहते हैं और इधर बैकग्राउंड पे पूरी क्राउड रहती है, जो कि वहां से ऊपर से भी दिखाया जाता है वो सीन। तो ये वाला सीन आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं और ये वाला सीन भी स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं, और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। ये जो गुफा है दोस्तों, ये गुफा के अंदर से सीढ़ी है और फिर वहाँ से ऊपर चल के आप लोग को मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। यहाँ पे टॉम ऑल्टर जी रहते हैं और बैकग्राउंड पे पूरी क्राउड रहती है, और वहाँ पे निरुपम रॉय जी भी अपने बच्चे के साथ रहते हैं। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। यहाँ से फिर वो सबको गोली मारने के हुक्म दे देते हैं, जो कि उनके जो अंग्रेज के जो सिपाही रहते हैं दोस्तों, वो ऐसी खिड़की उड़की है उस साइड पे, उस जगह पे वो लोग रहते हैं। मैं आप जब अंग्रेज गोली मार रहे हैं तो यहाँ पे जो कुछ सिपाही है इधर खड़े रहते हैं और कुछ यहाँ पे रहते, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। दो सिपाही गोली चला रहे होंगे,
यहाँ से चला रहे होंगे, कुछ इस साइड से चला रहे होंगे, कुछ यहाँ पे जो खिड़की है दोस्तों यहाँ से खड़े होकर के गोली चला रहे होंगे, और सब पब्लिक इधर उधर भाग रहा होगा, और यहाँ पे बहुत सारी लाशें गिरी होती है। कुछ लोग दोस्तों ये लोग गोली चलाते हैं। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं, आपको ये जो खिड़की का जो आधा ऐसे टूटा हुआ था उस टाइम पे भी टूटा हुआ था, आज से 42 साल पहले फिल्म के टाइम पे, और आज मैं जो दिखा रहा हूँ अभी भी वैसा टूटा हुआ, लेकिन अभी झाड़ जंगल ज़्यादा हो गया। यहाँ से कुछ कपड़े की गठरी वो लोग गिराते हैं और यहाँ से ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्क्रीन शॉट के साथ ये सीन मैच कर सकते हैं। दोस्तों एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है जब निरुपा रॉय जी अपने बच्चे को लेकर भागते तो अंग्रेज जो सिपाही रहते वो उनको घेर लेते, तो यहाँ पे वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उन लोग से फाइट करते। तो आप स्क्रीन शॉट से ये जगह मैच कर सकते हो दोस्तों। वो सीन शायद कुछ ऊपर से रिकॉर्ड किया गया है, ये दीवार दिखाई दे रहा होगा, यहाँ का जो दीवार है वो टूट गया है, ऐसे 42 साल पहले वो सीन रिकॉर्ड किया गया था यहाँ पे, और आज मैं आपको 42 साल बाद यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो बहुत कुछ चेंज हो गया, अभी झाड़ जंगल भी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों क्रांति फिल्म का जो खंडर दिखाया गया है जहाँ पे लंगड़े लूले लोग और कुछ रेपिस्ट औरत लोग और कुछ लाचार लोग रहते हैं, जहाँ पे मनोज कुमार और हेमा मालिनी जी अंदर गुफा के अंदर, जहाँ पे मनोज कुमार जी हेमा मालिनी जी को अंदर लेके जाते हैं कि हम लोग आगे क्यों बने और अंग्रेज के खिलाफ क्यों लड़ाई कर रहे हैं, तो वो दिखाने के लेके जाता है दोस्तों। वो एक खंडर रहता है, जमीन के अंदर रहता है, वो अभी भी जमीन के अंदर है, लेकिन ये झाड़ जंगल हो गया, इसके ऊपर से मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं इधर दूसरी जगह पे आया, देखो इधर से चढ़ के इधर ऊपर आया हूँ, ऊपर से मैं आप लोग को एक खंडर का जो नज़ारा है ऊपर का दिखाने, लेकिन ये जगह बिल्कुल खाली हुआ करता था उस टाइम पे, जो गोलीबारी चली होगी स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं। तो ये खंडर वो रहता है दोस्तों जहाँ पे हेमा मालिन और मनोज कुमार जी इसके अंदर जो और लाचार लोग रहते हैं उनको दिखाया जाता है, और बाकी का सीन वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था अंदर से। तो हाँ, तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आप लोग को क्रांति फिल्म का शूटिंग लोकेशन। दोस्तों 42 साल में यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया, क्योंकि 42 साल पहले ही एक खंडर को खंडर दिखाया गया है, तो अभी मैं आया हूँ बहुत कुछ टूट फूट गया है, जो सीन 19-20 है नहीं मैच हुआ है तो उसके लिए सॉरी, बाकी जो सीन मैच हो गया उसको आप लोग इन्जॉय कीजिए किए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर दोस्तों अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और बेल आइकन दबा करके घंटा भी दबा दीजिए, और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोग को फिल्म का शूटिंग लोकेशन कैसा लगा।